पाकिस्तान को एक बार फिर भारत से मुंह की खानी पड़ी है। खबर तो बड़ी है, तो अब इंडिया ने इसमें भी पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है, 172 उसके हो गए हैं। पाकिस्तान को एक बार फिर भारत से पराजित होना पड़ा है। अपने हमसाये ममालिक को पीछे छोड़ेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान एक बार फिर परमाणु बम की रेस में भारत से पिछड़ गया है। न्यूक्लियर स्टॉकपाइल, न्यूक्लियर आर्सेनल में इंडिया पाकिस्तान से आगे चला गया है। भारत ने पिछले साल 8 नए परमाणु बम बनाए, जिसके बाद भारत के पास परमाणु बमों की संख्या 172 हो गई, जबकि पाकिस्तान एक साल में कोई परमाणु बम नहीं बना पाया, जिसकी वजह से उसके परमाणु बमों की संख्या 170। शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं हम पड़ोसी मुल्क को पीछे छोड़ जाएंगे, वो हर चीज में तो भारत को ले आते हैं। समझ में नहीं आता, कर्ज वापस करने के लिए कर्ज लेने पड़ते हैं और उन कर्जों पर सूद की अदायगी लेने के लिए आप लोगों को कर्ज लेने पड़ते हैं, तो कैसे आप ये इतने वसूख से कह सकते हैं? भारत के पास इस वक्त जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनकी तादाद है 172 और पाकिस्तान के पास जो है वो है 170, यानी के दो वेपन्स जो है वो भारत के पास ज्यादा है। तो नतीजा ये निकला कि सिर्फ दो का फर्क है, लेकिन इंडिया इसमें सरपास कर चुका है। तो ये 172 की फिगर इतनी तो है कि चाइना को भी हम, चाइना और पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर दोनों को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। न्यूक्लियर स्टॉकपाइल, न्यूक्लियर आर्सेनल में इंडिया पाकिस्तान से आगे चला गया है। वैसे तो ये सुनकर ही होगी, ये मालूम नहीं होगा कि अच्छा क्या इंडिया के पास न्यूक्लियर आर्सेनल या वॉरहेड्स जो हैं वो कम थे पाकिस्तान से। तो जी हाँ, ऐसे ही था। भारत जो कि फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसके पास पाकिस्तान से कम न्यूक्लियर स्टॉकपाइल था। फर्क बहुत ही कम था, अभी आपके सामने रखते हैं, लेकिन था ऐसा। तो एक चीज़ में पाकिस्तान आ गया था, आपको पता है कि फिर जंग को जदल तो मीरास है हमारी, ये तो आप जानते ही हैं, तैमूर से लेकर और अब्दाली तक, हमलों तक और तलवार से लेकर तीरों तफंग तक, इसमें तो मुसलमानों से कोई आगे कहाँ बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी वजह यह है कि अगर हम ये देखें कि मिलिट्री स्टॉक पाइल जो कि वॉरहेड्स हैं उन सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स के पास हैं, जो कि हैं 3,708, 3700 से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ये जो है, कहीं पर मैंने 4000 भी एक पढ़ी थी, अब ये पता नहीं कौन से साल की है, लेकिन इतने हैं अमेरिका के पास। तो यूनाइटेड स्टेट्स इसमें सबसे आगे है। रशिया जो है उसके पास 4000, बल्कि रशिया के पास तो इससे भी ज़्यादा हैं, 4380 कहे जा रहे हैं। यूके के पास 225 बताए जाते हैं और फ्रांस के पास 290 हैं, चाइना के पास 500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और इंडिया के पास मिलिट्री स्टॉकपाइल जिसको हम कह रहे हैं वो है, और इंडिया के पास जो है वो अब 172 हो गए हैं, पाकिस्तान के पास 170 हैं। तो नतीजा ये निकला कि सिर्फ दो का फर्क है, लेकिन इंडिया इसमें सरपास कर चुका है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को इंडिया ने इसमें भी पीछे छोड़ दिया है। तो पाकिस्तान के पास 170 170 बताए जा रहे हैं, जबकि इंडिया के पास 172 हो गए हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि इससे क्या होता है, असल फर्क और असल जीत और असल रेस, इन रियलिटी जो रेस होनी चाहिए वो इकोनॉमी में होनी चाहिए, वो एजुकेशन में होनी चाहिए, वो हेल्थ में होनी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, और उन तमाम रेसों में इंडिया पाकिस्तान से आगे है। 172 की फिगर इतनी तो है कि चाइना को भी हम, चाइना और पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर दोनों को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। ये खबर कितनी इंपॉर्टेंट है जब हमारे पास जम्मू जैसे एरिया में हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं। आप इंडिया की बात कीजिएगा तो आज इंडिया के पास जो 2024 है उसमें 172 वॉरहेड्स इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास 170 है। तो जब से इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन की कलेक्शन शुरू की है उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा हो गया है।
ठीक है ना, क्योंकि अगर आप 2023 में देखें तो ये जो वॉरहेड थे भारत के पास 164 थे और वो आज 172 हो गए हैं। अगर आप 2023 में पाकिस्तान के वॉरहेड्स को देखेंगे तो वो 170 थे और अभी भी वो 170 पे मेंटेन्ड है, मिलिट्री स्टॉक पाइल को इंक्लूड करते हुए। तो इसलिए यस, बात सही है कि इंडिया ने अपनी क्षमता को बढ़ाया है और ज्यादा तो नहीं, मतलब 8 का ही है, और दोनों ही जो हैं ये न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो। तो इंडिया के न्यूक्लियर वेपन के बारे में सिप्री का यही कहना है कि बेसिकली ये पाकिस्तान की वजह से ही इन्होंने अपने वाले को एक्टिव किया हुआ है या पाकिस्तान के थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जो है ये चाइना को भी कंसर्न करते हुए अपने न्यूक्लियर वेपन्स का जो है वॉरहेड की जो डिप्लॉयमेंट है उसको वो रीस्ट्रेटेजाइज कर रहे। तो अगर फर्ज कीजिए कि कल तक, दो दिन पहले तक, दो हफ्ते पहले तक पाकिस्तान के पास 170 थे और इंडिया के पास इतने नहीं थे, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब मुझे ये समझ नहीं आती जब हम इसकी बात करते हैं। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि मैं हथियारों पे, वेपन्स पे और इस तरह की लड़ाई झगड़े वाली उस पे जो है कम बात करती हूँ, लेकिन ये एक बड़ी खबर है, ये कोई छोटी खबर नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। जाहिर है ऐसा होगा, एक इंडिया और पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में इस हवाले से अपनी जगह पर है कि ये जो दो कंट्रीज़ हैं इनमें कभी भी जो है वो कुछ हो सकता है, इस तरह की चीज़ें आपको पता है चलती ही रहती हैं, लेकिन खबर तो बड़ी है। तो अब इंडिया ने इसमें भी पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है, 172 उसके हो गए हैं। इकोनॉमी की जब हम खबर की बात करते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ की नई रेटिंग आई है फिच की तरफ से, और फिच रेटिंग्स में इंडिया की ग्रोथ रेटिंग बढ़ा दी गई है, और अब ये कहा गया है कि 2024 में जो रेटिंग हमने पहले बताई थी उससे भी ज़्यादा तेज़ी से इंडिया ये ग्रोथ करेगा, जिसमें इंडियन इकोनॉमी टू एक्सपेंड बाय ए स्ट्रॉन्ग 7.2%। फिच रेजेस ग्रोथ फोरकास्ट फ्रॉम 7 to 7.2%। अब देखिए ये तो हमें पता है, आप आगे से ये सोचेंगे या कहेंगे कि देखिए ये तो 8 भी आ चुकी है। एग्जैक्टली, इंडिया की जो ग्रोथ रेट है अभी कुछ अर्सा पहले 8 भी बताई गई थी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनकी तरफ से। लेकिन जो वो उनके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं उसके हिसाब से वो देखते रहते हैं ना, तो इन्होंने 7 बताई थी, तो अब उन्होंने 7.2 कर दी है कि वो उनको अब ये लग रहा है कि अब जो सेटअप इस वक्त मौजूद है और जो हालात हैं उसमें नज़र आ रहा है कि भारत 7.2 से ऊपर जाएगा ग्रोथ रेट इकोनॉमी की। ये है वो रेस जिसमें मुकाबला करने की ज़रूरत है। और फिर अगर आप इसमें मुकाबला नहीं करते तो फिर आप किसी भी चीज़ में मुकाबला करने कोई फ़ायदा नहीं। जैसा मैंने पहले कहा, देखिए ना, पहला सवाल तो ये उठता है कि भारत, जैसा कि मैंने पहले कहा कि सबसे बड़ी एक पॉपुलेशन, इतना बड़ा मुल्क, इतना बड़ा कंट्री, द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, तो उसके तो बहुत ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन उन्होंने बाकी डिपार्टमेंट्स में इतनी तरक्की कर ली है कि उनको उसकी ज़रूरत नहीं रही।